नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। राहुल के साथ मार्च करने के लिए फारूक अब्दुल्ला पहुंचे लखनपुर, बोले युवा होता तो मैं यात्रा की शुरुआत ही चलता। पहलवानों के समर्थन में खाप पंचायतें, कहा धरना में पहुंचेंगे खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से अध्यक्ष के जवाब का इंतजार करने को कहा। दिल्ली में दीवारों पर लिखा खालिस्तान जिंदाबाद, रिपब्लिक डे की तैयारियों के बीच माहौल खराब करने की कोशिश। राहुल की यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची, रेनकोट में नजर आए पठानकोट बॉर्डर पर, कहा जानता हूं यहां के लोग पीड़ा में हैं। हिमाचल में बर्फबारी, लाहौर की चोटियों से 4 इंच तक बर्फ की परत जमी, काजा में तापमान 20 डिग्री है। बुलंदशहर में 2 अलग अलग हादसों में 2 दोस्तों की सहित 4 की हुई मौत, मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हमीरपुर में गौशालों में भूख प्यास और ठंड से दम तोड़ा है गोवंश, गोवंश को ट्रैक्टर ट्राली में घसीट कर ले जाने का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में 11वीं क्लास के छात्र रहस्यमय तरीके से हुआ गायब, अनूप शहर कोतवाली पुलिस ने छात्र की शुरू की तलाश। एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रबड़ी त्रिपाठी की बेनामी संपत्ति, इनकम टैक्स ने किया अटैच, गोमती नगर में बनना था सपनों का महल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बाहुबली विधायक रामाकांत यादव की जमानत हुई मंजूर, 25 जुलाई 2022 से जेल में है बंद। इराक के स्टेडियम में भगदड़, 4 की मौत, 40 साल में पहली बार इंटरनेशनल मैच में हो रहा था, 65,000 से ज्यादा लोग जुटे। महिलाओं को सेना में शामिल करेगा ताइवान, मिलिट्री ट्रेनिंग देगा चीन की ओर से हमले का खतरा बढ़ा दे बनाई योजना। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, जापान में एक दिन में 451 मौतें हुई, भारत में 134 नए मामले सामने आए। फ्रांस के 200 शहरों में नई पेंशन योजना का विरोध, रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरे 11 लाख लोग। टोंगा के ज्वालामुखी की शॉकवेव्स अंटार्कटिक तक पहुंची, 18,000 किलोमीटर दूर समुद्र में लगे सिस्टोमीटर्स में रिकॉर्ड हुई। मैच के दौरान टीवी एंकर फील्डर से टकराकर गिरी, ऐसे की लीक घटना, बाउंड्री लाइन पर खड़ी थी पाकिस्तानी एंकर जैनब अब्बास। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने वेल्स को 4-2 से हराया, डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंचने से चूकी टीम इंडिया। मेसी रेनाल्डो से मिले अमिताभ बच्चन, पीएसजी वर्सेज रियाद इनग्लेम फ्रेंडली मैच में मुख्य अतिथि थे। पंद्रह साल के फुटबॉलर राइवलरी का अंत, अल नासर अल हिलाल की संयुक्त टीम और पीएसजी के मैच में रोनाल्डो मेसी भिड़े। रायपुर पहुंची इंडिया और न्यूजीलैंड टीम का जोरदार स्वागत, एयरपोर्ट से होटल तक लगी फैंस की भीड़। नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस अपर्णा बालामुरली के साथ बदतमीजी, फैन ने गलत तरीके से छूने का किया प्रयास। शाहरुख ने की कॉन्ट्रोवर्सी सॉन्ग बेशरम रंग पर बात, बोले उनके अलावा कोई भी इसे इतनी शानदार तरीके से नहीं कर सकता था। रकुलप्रीत सिंह शेयर की छत्रावली की बीटीएस फोटो, श्रद्धा कपूर ने झूठी मैं मकार का ट्रेलर देख फैन से पूछा मजेदार सवाल। नोरा फतेही को पसंद करता था महाठग सुकेश चंद्रशेखर, एक्ट्रेस ने कहा गर्लफ्रेंड बनने की शर्त पर लग्जरियस घर देने का किया था वादा।
नो मेकअप लुक में दिखी सुहाना खान। एयरपोर्ट पर किंग खान की बेटी को देख फैंस बोले मौसम भी सुहाना कर दिया। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।